गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आ जाइए सब ऑनलाइन। कल तक आपका यहाँ तक समाप्त हो चुका था, ये जितने हैं आपका यहाँ तक समाप्त कर दिए थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो चुका था, वाणीवास युद्ध, ये सब। चलिए आगे नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वास्को डी गामा, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां, कंपनी के संबंध में व्यक्तित्व, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जो समुद्र मार्ग उत्तमासा अंतरिप द्वीप से 1498 में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, ठीक है। वहां उतरा था, उसका स्वागत कौन किया था? कालीकट में जमुरी नाम का राजा था जिसने उसका स्वागत किया था। पेट्रो अल्वारेज केब्राल पुर्तगाली यात्री जो वर्ष 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक द्वितीय गवर्नर था, ठीक है। निनी डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था, उसने 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। पुर्तगाली गवर्नर था इसकी, इन लोगों का, पुर्तगालियों का जो पहला राजधानी कोचीन था, कोचीन से उसने गोवा स्थानांतरित किया था। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज यात्री जो जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा था। जॉब चारनॉक कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक था। कलकत्ता का स्थापना करने वाला कौन था? जॉब चारनॉक था। थॉमस रो ब्रिटिश जेम्स प्रथम का दूत था। थॉमस रो जो था ब्रिटिश जेम्स प्रथम का दूत था जो जहांगीर के दरबार में 1615 से 1618 की अवधि में रहा और साम्राज्य के विभिन्न भागों में कंपनी के लिए अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। चार्ल्स आयरे कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। चलिए आगे आ जाइए। फरुखसियर मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजी व्यापारी कंपनी को 1717 में फरमान प्रदान किया था, ठीक है। कौन फरमान जो प्रदान किया था, कहीं भी आ जा सकते, कोई भी व्यापार कर सकते थे, कोई भी टैक्स उन लोगों के ऊपर नहीं लगता था। वो फरमान जारी करने वाला कौन था? फरुखसियर था। फ्रांसिस डे मद्रास का प्रसिद्ध अंग्रेज संस्थापक था। शोभा सिंह वर्धमान का जमींदार जिसने 1690 के दशक में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। चलिए आगे। यूरोपीय व्यापारी कंपनी से संबंध स्थल, कौन कौन से स्थल उनसे संबंधित है? यूरोपीय व्यापारी कंपनी के से संबंध स्थल कौन कौन है? कालीकट कहाँ पर है? वो केरल में आपका है, केरल में स्थित मालाबार तटीय बंदरगाह जहाँ वास्को डी गामा पहली बार 1798 में उतरा था। वो कालीकट नामक स्थान है, जमुरी नामक राजा ने उसको स्वागत किया था। कोचीन है दूसरा यूरोपीय व्यापारी कंपनी के संबंध में स्थल, केरल में स्थित है वो भी बंदरगाह है जो भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी। गोवा राज्य जो पुर्तगालियों का भारत में सर्व प्रमुख केंद्र रहा है। सेंथोम यह दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल है, ठीक है। पुलिकट तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है जो भारत में डचों का सर्वप्रथम केंद्र रहा है। सेड्रास मद्रास से दक्षिण में स्थित बंदरगाह है जो डचों का केंद्र था। बेदरा के युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हराया था। कब? 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हराया था बेदरा के युद्ध में, ठीक है। स्वाली सूरत के निकट अवस्थित जहाँ कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। स्वाली जो वो स्थान है जहाँ पर सूरत के निकट अवस्थित है, ठीक है, जहाँ कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। हरिहरपुर उड़ीसा में अवस्थित है जहाँ 1633
में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? त्रेंकोबार तमिलनाडु में स्थित है, त्रेंकोबार कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कौन स्थापित किया था? डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी त्रेंकोबार में, तमिलनाडु में स्थित है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबद्ध स्थल वो आपका है सेरामपुर बंगाल में स्थित है, जहाँ डेनिसों ने 1676 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र, जो कोरोमंडल तट पर था। कोरोमंडल तट कहाँ है? ये आपका ऐसे हो गया, इंडिया है इस साइड में, कोरोमंडल तट है। ठीक है, चाउल, चावल महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर अवस्थित है, जहाँ पुर्तगाली व्यापारी केंद्र था। पटना बिहार की राजधानी, जो शोरे से उत्पादन के कारण प्रसिद्ध था और यहाँ डचों की फैक्ट्री स्थापित थी। चटगांव जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, चटगांव भी वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, जिसे पुर्तगाली हथदंक चौतज कहते थे। कन्नानोर मालाबार तटीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ वास्को डी गामा ने 1505 ईस्वी में फैक्ट्री खोली थी। सुतानाती, कलिकाता व गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता स्थापित हुई थी। कौन 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 से गांव हैं? सुतानाती है, कलिकाता है और गोविंदपुर, ये तीन गांव है जिसे मिलाकर कलकत्ता को बनाया गया था, कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश विजय के समय मुगलों की स्थिति, जिसमें ब्रिटिश विजय कर रहे थे उसमें मुगल की क्या स्थिति थी? औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, 1658 से 1707 ईस्वी तक, औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 1707 की गलत नीतियों से मुगल साम्राज्य की स्थिरता छीन हुई, लेकिन सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था जिससे दो स्तंभ 1707 ईस्वी तक सीधे खड़े रहे। उत्तराधिकार की लड़ाइयों और कमजोर शासकों ने दिल्ली को त्रस्त कर दिया। उत्तराधिकार का युद्ध औरंगजेब के मरने के बाद मुअज्जम आजम कामबख्श, ये जो भाई थे, उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई, उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ चालू हो गई। ठीक है, जिससे कई स्थानीय प्रमुखों ने स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। अब अलग अलग स्थान पर अपने स्वतंत्रता की मांग उठना चालू हो गया, चूंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल शासक की शक्ति और प्रतिष्ठा का पतन। मुगलों की समझ चुनौतियाँ, आखिर क्या मुगलों की समझ क्या क्या चुनौतियाँ आई? बाह्य चुनौतियाँ आई, ठीक है, बाह्य आक्रमण बढ़ गया। नादिर शाह का आक्रमण 1738 से 39 के ईस्वी में हुआ। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 से 1767 ईस्वी तक हुआ। आंतरिक चुनौतियाँ क्या क्या थी? आखिर आंतरिक चुनौती थी तो आखिर मुगलों के बीच कौन कौन सी आंतरिक चुनौतियाँ थी? औरंगजेब के बाद कमजोर शासक था, औरंगजेब के बाद ऐसे बहुत सारे शासक आए जो बहुत कमजोर थे, जो पूरी तरह से राज को अच्छी तरह से चलाने में असमर्थ थे। उसके औरंगजेब के बाद कमजोर शासक था। मराठों, सिखों, राजपूतों की बढ़ती साख के कारण प्रशासनिक चुनौती। अब उसी समय मराठों, सिखों और राजपूतों की साख जो थी ताकतवर बनकर उभर रहे थे। वैसी स्थिति में मुगलों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही थी। स्थानीय गवर्नर द्वारा विद्रोह व स्वतंत्रता की घोषणाएं की गई। स्थानीय जो वहाँ के गवर्नर थे विद्रोह कर दिए, स्वतंत्रता की घोषणाएं करने लगे, सब अपना अपना सेपरेट होने लगे। उत्तरकालीन मुगल शासक हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब जैसे नए राज्य स्थापित हुए, तथा मराठाओं ने भी अब सर उठाना शुरू कर दिया था। मराठा भी अपना सर उठाना चालू कर दिया था, क्योंकि वो भी ताकतवर बनकर उभर रहे थे। बहादुर शाह प्रथम, ये है 1707 से 1712 तक। इसमें कौन कौन थे? मुअज्जम आजम कामबख्श, उसमें से उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह युद्ध जीता और उसके बाद वही राजा बनता है। देखिए वही अपना उपाधि जो है इसका साहेब खबर, खफी खां द्वारा इसको साहेब खबर का उपाधि दिया गया था बहादुर शाह को।
औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र शहजादा मुअज्जम 63 वर्ष की उम्र में बादशाह बना। मुअज्जम ही था जो बहादुर शाह बाद में कहलाए। मराठाओं शाहों की रिहाई, जाटों तथा राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। मराठाओं जैसे साहू की रिहाई कर दिया, जाटों और राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। सिख नेता बंदा बहादुर द्वारा आक्रमण किया गया। उसी समय सिख नेता बंदा बहादुर के द्वारा आक्रमण किया गया। गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे, ठीक है, जहांदार था। उसके बाद कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल किसका था? जहांदार शाह का आया। फरवरी 1712 से फरवरी 1713 के बीच में इसका कार्यकाल था, 1 साल ही मात्र रहा। इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। एक नंबर का लंपट मूर्ख था जहांदार शाह। ये पूछता है वो जगह लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो वो था जहांदार शाह, ठीक है। कार्यकाल इसका 1712 से 13 तक था, 1 वर्ष ही था। इजारा व्यवस्था की शुरुआत इसी ने किया था, जहांदार शाह ने। जजिया कर को समाप्त कर दिया था जहांदार शाह ने। उसके बाद आया फर्रुखसियर का कार्यकाल आपका 1713 से 1719 ईस्वी के बीच में रहा। उपाधि आपको घृणित कायर या शाहिदे मजलूम कहा गया। उसके पीछे घृणित कायर कहने के पीछे सैयद बंधुओं को मरवा दिया था, जिस कारण इसको घृणित कायर बोला गया था। सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की हत्या की, सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की हत्या करवाई इसने। सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां, हुसैन अली को नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में जाना जाता था, या धार्मिक सहिष्णुता, अतः इसने जजिया और धार्मिक यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया। कुलीनों के द्वारा मारा जाने वाला पहला शासक था। कुलीनों के द्वारा मारा जाने वाला पहला शासक था। इसने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में 3 फरमान जारी किए, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहादुर शाह की हत्या करवाई, सॉरी बंदा बहादुर की हत्या इसी ने करवाई थी, फर्रुख सियर ने, ठीक है। रफी उद दरजात इसका कार्यकाल बहुत छोटा है, ये सभी ठीक है। आगे चलिए, मोहम्मद सरंगीला 1719 से 1747 के बीच में इसका कार्यकाल था, मोहम्मद रंगीला का। इसने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवाई, सॉरी उसमें इसने नहीं करवाया था, ये जो था फरूख सियर ने सैयद बंधुओं की हत्या नहीं करवाई थी, सॉरी हत्या करवाया था आपका मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं की हत्या करवाया था। 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना की। निजाम उल मुल्क के द्वारा हैदराबाद स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना की। 1734 ईस्वी में दिल्ली पर बाजीराव प्रथम का आक्रमण हुआ। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह के द्वारा मुगलों की पराजय हुई। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह के द्वारा मुगलों की पराजय हुई। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। जजिया कर जो लगाया जाता था उसको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके समय फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसके बाद आया आपका अहमद शाह बहादुर 1748 से 54। यह एक अयोग्य शासक था। इसने उधमबाई रानी माँ या किलबाई आलम के हाथों सिंहासन सौंप दिया था। इसी के काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके काल में? इसी के काल में।
आपका अहमद शाह बहादुर के काल में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल कितना था? 1754 से 1758। इसका नाम अजीजुद्दीन था। इसका इसके शासन में प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का हुआ था। शाह आलम द्वितीय या अली गौहर, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इलाहाबाद की संधि 1965 में, सॉरी 1965 नहीं, यहाँ पर होगा 1764 है, 1765 होगा इसमें। इलाहाबाद की संधि, हाँ 1765 होगा, 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि के बाद ही, सॉरी बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि किया गया था 1765 में। यहाँ गलती लिखा हुआ, 1765 नहीं होगा, ध्यान रखना 1765 होगा। शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। बक्सर का युद्ध, जब अंग्रेज युद्ध अपना जीत युद्ध जीतते हैं त्रिकोणीय, वहाँ पर त्रिकोण तीन लोगों का युद्ध हुआ था। आपका अवध का नवाब था, मुगल बादशाह था, और आपका मीर कासिम था ना। चलिए आपका क्या था, आपका यहाँ हो जाएगा आपका 1765 हो जाएगा। शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, तो इसमें कौन कौन से तीन राजा थे? तीनों में से आपका बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में 1765 का बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें निर्णायक रूप से अंग्रेज जीते थे। ठीक है, इसमें जो अंग्रेजी का अंग्रेजों सेना का जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुंडरो था। ठीक है, अकबर द्वितीय 1806 से 1806 से 1837 ईस्वी, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के विद्रोह के बाद वो रंगून जेल उसको भेज दिया गया था। नादिर शाह फारसी का आक्रमण 1738 से 1739 ईस्वी में हुआ। नादिर शाह का आक्रमण, इसका उद्देश्य धन को लूटना था। करनाल का युद्ध 1739 में मुगलों की हार हुई। करनाल के युद्ध में मुगलों की हार हुई। लाहौर पर कब्जा तथा मोहम्मद शाह को बंधक बना लिया गया। सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके द्वारा तख्ते ताऊस, मोर सिंहासन, कोहिनूर को लूट लिया गया। किसने लूटा था? नादिर शाह ने। इसका कार्यकाल था 1738 से 1739 में। ठीक ने, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 से 64 के बीच में हुआ। इसे दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा जाता है। यह नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। मुगलों के पतन के कारण, आखिर क्या कारण था मुगलों का पतन हुआ? भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरवर्ती औरंगजेब के पश्चात मुगल सम्राटों के व्यक्तिगत अक्षमताएं, विलासिता, धर्मांतता एवं दरबारी गुटबंदियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य संबंधी, औरंगजेब के बाद निःशक्त उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं। मुगल अभिजात वर्ग का पतन, सैनिक दुर्बलता, एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा शासित होने के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र, औरंगजेब की दक्कन और धार्मिक नीतियाँ, ईरानी तथा तुरानी राज्यों के द्वारा आक्रमण, ये सारे उसके कारण थे। यूरोप वासियों का आगमन
ये भी महत्वपूर्ण कारक था जिससे वो पतन, मुगलों का पतन हुआ। क्षेत्र संबंधी, जमींदारों, वंशानुगत भू मालिकों के प्रभाव तथा शक्तियों में वृद्धि, जागीरदारी की शुरुआत, कुलीनों को जमीन देना, इससे आय में कमी होती चली गई। आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं, युद्ध के खर्चे बढ़ रहे थे, खालसा जमीनों में कमी हुई, राजाओं का विलासितापूर्ण जीवन जीना जीना, तकनीकी प्रगति का अभाव, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं तथा राजाओं राज्यों का उदय, ये भी मुगल काल का पतन का कारण रहा। बाह्य कारण था आपका, बाह्य कारणों में था उत्तर पश्चिम से आक्रमण के खिलाफ आंतरिक शक्ति तथा एकता का अभाव था। क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय था एक कारण, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा थे वो उभर कर आ रहे थे, ताकतवर बनकर उभर कर आ रहे थे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के ध्वंसेशों पर नवीन राज्यों का सृजन हुआ, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं और अराजकता के बल पर नव स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। वे राज्य थे अवध था, मैसूर था, पंजाब, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूत, मराठे, कर्नाटक आदि। अवध एवं हैदराबाद को उत्तराधिकारी वाला राज्य कहा जाता है, अवध और हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता है। क्षेत्रीय राज्यों के उदय के निम्न कारण थे। आखिर क्षेत्रीय राज्य क्यों उदय हो रहे थे, उसके पीछे निम्न कारण थे। केंद्रीय सत्ता का अभाव था, केंद्र में कोई बढ़िया शासक नहीं था, ताकतवर शासक नहीं था, शासक वर्ग का नैतिक पतन हो चुका था। कुछ क्षेत्रीय शासकों का योग्य नेतृत्व, अब क्षेत्रीय शासक थे योग्य बनकर, योग्य थे जो उभर कर सामने आ रहे थे, जैसे हैदर अली हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, रंजीत सिंह, महाजी सिंधिया, ये सब थे क्षेत्रीय जो राजा थे वो ताकतवर बनकर उभर कर आ रहे थे। और केंद्रीय जो शासन में जो था मुगल बादशाह के अंदर, मुगल शासक वो कमज़ोर होते जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है उसको दबना लाजमी था। इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तराधिकारी राज्य, ऐसे मुगल प्रांत जो स्वतंत्र राज्यों में बदल गए, जिनकी स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता राजनीति थी। उदाहरण के लिए अवध हो गया, शहादत खान या बुरहान उल मुल्क, हैदराबाद किलीच खान या निजामुल मुल्क, बंगाल हो गया मुर्शिद कुली खान, स्वतंत्र राज्य थे। ये राज्य मुगल नियंत्रण वाले प्रांतों की अस्थिरता के कारण बने। उदाहरण जैसे हो गया राजपूत, मैसूर, केरल, मार्तंड वर्मा के द्वारा स्थापित था। नए राज्य हो गया मुगल शासन के अंतर्गत बागियों द्वारा स्थापित राज्य। कौन कौन थे बागियों द्वारा स्थापित राज्य, तो वो था आपका जाट द्वारा भरतपुर में चुड़ामन तथा बदन सिंह के द्वारा जाट राज्य की स्थापना, सिख, मराठा, रोहिलखंड, अली मोहम्मद खान के द्वारा स्थापित कुमाऊं तथा गंगा के बीच की हिमालय की तलछटी वाले क्षेत्र शामिल, और फर्रुखाबाद, मोहम्मद खान बंगाश, दिल्ली के पूर्व में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थीं। आखिर क्या परिस्थितियाँ थीं, वो था कृषि, कृषि तकनीक रूप में पिछड़ी हुई थी, किसानों की दयनीय स्थिति थी, व्यापार तथा उद्योग, निर्यात में सूती वस्त्र, कच्चे रेशम, रेशमी कपड़े, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च तथा अन्य मसाले, कीमती पत्थर तथा दवाइयाँ, औषधियाँ, ये उद्योग आयात हो गया आपका फारस की खाड़ी से, आपका मोती, ऊन, खजूर, मेवा, गुलाब जल, अरब से आके कॉफ़ी, सोना, औषधियाँ, शहद, चीनी, चीन से हो गया चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, सिल्क, तिब्बत से हो गया सोना, कस्तूरी, ऊनी कपड़े, अफ्रीका से हो गया हाथी के दांत, औषधियाँ, यूरोप से हो गया आपका ऊनी कपड़े, तांबा, लोहा, सीसा तथा कागज़। भारत में कपड़े उत्पादन के केंद्र कहाँ कहाँ थे, तो वो है आपका ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भड़ोच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, ये सारे स्थान थे। जहाज निर्माण में आपका जो स्थान था वो महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था, बंगाल था, कालीकट था, कोल्लम था।
शिक्षा के क्षेत्र में तो प्राचीन शिक्षा पर निर्भरता के साथ पारंपरिक शिक्षा भी थी। प्रारंभिक शिक्षा का हिंदुओं पाठशालाओं तथा मुसलमानों के मकतबों में प्रचलन व्यापक मात्रा में था। महिला शिक्षा पर शायद ही ध्यान दिया गया हो। उच्च शिक्षा को चतुष्पनी बिहार लोल बंगाल कहा जाता था। काशी हो गया, वाराणसी, तिरहुत, मिथिला, नदिया और उत्कल में संस्कृत शिक्षा के विशेष क्षेत्र थे। मदरसा हो गया, अरबी तथा फारसी में उच्च शिक्षा के संस्थान थे। फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र अजीमाबाद पटना था। समाज हो गया आपका पारंपरिक तथा रूढ़िवादी समाज था। हिंदू समाज में आपका पितृसत्तात्मक तथा दृढ़ जाति व्यवस्था थी। मुस्लिम समाज में शिया सुन्नी शरीफ कुलीन विद्वान आदि तथा अलिफ निचले वर्ग में विभाजित था। महिलाएं पर्दा प्रथा थी, महिलाओं में पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, ये सारी विद्यमान थे समाज में। दास प्रथा, इन्हें घरेलू नौकर या सेवक के बजाय वंशानुगत नौकर माना जाता था। कला वास्तु कला एवं संस्कृति, आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा 1784 ईस्वी का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा का निर्माण, जीज मोहम्मद के खगोलीय अध्ययनों के लिए शाही समय सारणी बनवाई, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध पद्मनाभम पुरम महल, कला की राजपूताना तथा कांगड़ा शैली का विकास हुआ। उर्दू के मीर सौदा नाजिर और मिर्जा गालिब आदि प्रसिद्ध कवि शायर थे। तमिल में आपका तयु मनावार के द्वारा सितार वादन, मलयालम कंचन नाम्बियार द्वारा समृद्ध पंजाबी वारिस शाह द्वारा हीर रांझा, सिंधी अब्दुल लतीफा के द्वारा सियालों कविताओं का संग्रह। चलिए दूसरा अध्याय कल स्टार्ट करेंगे, आज यहीं समाप्त करते हैं। पहला अध्याय आपका समाप्त हो चुका है, कल दूसरा अध्याय पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगा लेकिन कल पूरी दूसरा अध्याय कल के समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते जाइए, बढ़िया से आपको धीरे धीरे सारा चीज़ आपको ला रहे हैं। अभी मॉडर्न ला रहे हैं, फिर एंशिएंट, मिडन, मीडिएवल दोनों लाएंगे। उसके बाद झारखंड के लिए आपका झारखंड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आपका इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मॉडर्न। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।